वेलकम इन एजुकेशन हाई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मासिक धर्म का बंद होना या ना आना क्या है, या ये फिर क्या समस्या है, क्यों मासिक धर्म बंद होते हैं और क्यों नहीं आते हैं। चलिए जानते हैं। मासिक धर्म महिलाओं में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर महिला को होती है। महिलाओं के शरीर के अंदर होने वाले बदलावों के कारण ही मासिक धर्म एक निश्चित चक्र के अनुसार होने वाली क्रिया है। आमतौर पर एक स्वस्थ महिला को मासिक धर्म हर 28 दिनों की अवधि में होते हैं, जबकि 21 से 35 दिनों के चक्र को भी इसमें सामान्य अवधि में ही गिना जाता है। कई महिलाओं का मासिक धर्म चक्र नियमित अवधि में नहीं होता, यह कभी देरी से तो कभी जल्दी भी हो सकता है। लेकिन कई महीनों तक लगातार मासिक धर्म का ना आना या असमय बंद हो जाना महिलाओं के शरीर में होने वाली कई समस्याओं की ओर इशारा करता है। इस लेख में पीरियड्स महावारी के ना आने या बंद होने के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही यह भी बताया जाएगा कि समस्या के लक्षण और कारण क्या हैं। मासिक धर्म ना आना और इसकी परिभाषा के बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मासिक धर्म का ना आना या बंद होने की स्थिति को डॉक्टरी भाषा में एमेनोरिया कहा जाता है। मासिक धर्म ना होने का सबसे आम कारण है गर्भवती होना। यदि लगातार 3 पीरियड या मासिक धर्म चक्र ना हो तो इसको सेकेंडरी एमेनोरिया कहा जाता है। इसके अलावा 15 वर्ष तक की लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत ना होने को प्राथमिक एमेनोरिया कहा जाता है। अगर आपका सिर्फ एक मासिक चक्र ना हुआ हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी गंभीर परेशानी का संकेत है, लेकिन उससे ज़्यादा अवधि तक अगर महावारी ना आए तो ये किसी स्वास्थ्य समस्या का लक्षण हो सकता है। इसके कारणों को जानकर आप एमेनोरिया का इलाज करवा सकती हैं। और आपको अगर इस तरीके की कोई भी दिक्कत है तो आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लें, घर पर बैठे ना रहें। अगर आपको कोई भी लक्षण अपनी बॉडी में ऐसा कुछ दिखता है